अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाते हैं गुलबर्गा स्पेशल तहारी, जो कि थोड़ी सी अलग होती है पर खाने में बड़े मज़े की लगती है। तो उसको बनाने के लिए 1 किलो गोश्त लेकर उसको साफ धोकर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 कप दही डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। जब गोश्त और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए तो कुकर लेकर उसको 5 से 6 सीटी के लिए एक गैस पर कुकर में गोश्त डालकर साइड में रख देंगे। एक पतीली में 1.25 किलो कोलम चावल को लेकर साफ धोकर उसको थोड़ा पानी डालकर भीगने के लिए आधे घंटे के लिए साइड में छोड़ देंगे। एक मिक्सर जार में हरी मिर्ची अदरक लहसुन को डालकर थोड़ा पानी डालकर बारीक पीस लेंगे। एक पतीली में 1 कप तेल डालकर खड़े मसाले डाल देंगे। जब खड़े मसाले चटकने लगे तो प्याज को 2 गड्डी स्लाइस करके डाल देंगे। जब प्याज भी ब्राउन हो जाए तो पिसा हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट है वो डाल देंगे और थोड़ी देर भुनाई करके मिर्ची को 4 से 5 मिर्ची को चीर लगा के डाल देंगे और 4 5 टमाटर के स्लाइस करके डाल देंगे। पाउडर मसाला डाल देंगे और चावल के लिए दही 1 कप डाल देंगे और इन सब की थोड़ा सा पानी डालकर भुनाई करेंगे। जब अच्छे से भुनाई हो जाए तो धनिया, हरा धनिया चॉप करके डालेंगे और जो गला कर रखा था गोश्त उसको डाल देंगे। गोश्त की, मसाले की थोड़ी देर के लिए अच्छे से भुनाई करेंगे। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और मेन इंग्रेडिएंट कसूरी मेथी है वो डाल देंगे और चावल धोकर डालेंगे और जो जिसमें गोश्त गलाया था कुकर में उसमें पानी गरम रखा था। जब चावल की और गोश्त की भुनाई हो जाए तो ये गरम पानी डाल देंगे। इसमें गरम पानी ही डालना है गाइस। जब चावल अच्छे से पकने लगे, जब दम के लिए आ जाए तो 1 नींबू का रस इसमें निकाल के डालना। नींबू का रस है ना कट हो गया है। एक कपड़ा लगाकर, ढक्कन लगाकर स्लो गैस पर 10 से 15 मिनट के लिए दम के लिए रखें। जब दम होए ढक्कन खोल दे तो बहुत खुशबू अच्छी आ रही थी गाइस, ये बहुत टेस्टी बनी थी। गुलबर्गा तहारी बहुत टेस्टी बनती है। खाए पिए इंजॉय करें। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब।